Welcome on Knowledge Twist Find Bollywood or Big Boss Season 14 Update. दोस्तों 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर की बात करें तो आज वो काफी लंबे वक्त से बॉलीवुड की इस रंगीन दुनिया से दूरी बनाई हुई हैं। बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने फिल्मों से नाता काफी पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में जरूर रहती हैं। इस बार वो अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। करिश्मा की शादी संजय कपूर से 2003 में हुई थी। उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, उनका तलाक कुछ समय बाद हो गया। करिश्मा ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया, जिसके बाद करिश्मा के पति संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सचिदेव से शादी कर ली। इस बार उनके सुर्खियां बटोरने के पीछे उनकी दूसरी बार शादी बताई जा रही है। अब आप भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस बार करिश्मा कपूर किसके साथ बंधन में बंधने वाली है। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे, साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इन दिनों ऐसी खबर आ रही है कि अब ज्यादा वक्त तक करिश्मा कपूर अपनी जिंदगी अकेले नहीं बिताएंगी, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो कि जिंदगी भर उनका साथ निभाने को तैयार है। आपको बता दें कि इन दिनों जिस लड़के के साथ करिश्मा कपूर के रिश्ते की चर्चा चल रही है, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि संदीप है। आपको यह बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि संदीप और करिश्मा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संजय से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर की नजदीकियां दिन ब दिन बिजनेसमैन संदीप तोसनीवाल के साथ बढ़ती गई। तलाक के बाद करिश्मा कपूर की बिजनेसमैन संदीप तोसनीवाल के साथ नजदीकियां बढ़ गई और इन दोनों को कई मौके पर साथ भी देखा जा चुका है। बता दें करिश्मा कपूर के बॉयफ्रेंड संदीप भी शादीशुदा हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी अर्षिता को तलाक दिया है। संदीप ने अर्षिता पर दिमागी संतुलन ठीक न होने का आरोप लगाया है। बदले में अर्षिता ने भी संदीप पर व्यभिचार का आरोप लगाया, जिसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया। संदीप और अर्षिता की दो बेटियां भी हैं, जिनकी कस्टडी अर्षिता को दे दी गई है। संदीप तोसनीवाल को डेट कर रही है, अब बहुत ही शीघ्र उनसे शादी भी रचाने वाली है। संदीप की ये दूसरी शादी होगी, उनकी पहली पत्नी से उनका तलाक हो चुका है। संदीप ने 7 वर्ष पहले ही तलाक की अर्जी दे डाली थी, लेकिन इस वर्ष 2020 में अब उनका तलाक मुकम्मल तरीके से हो चुका है और एक बार फिर से संदीप और करिश्मा कपूर बहुत ही जल्द एक होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो और हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।